हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बना रहे हैं हम यहाँ गोल वाले कबाब, वो बहुत अच्छे होते हैं, यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा जूसी टेस्टी बहुत होते हैं। एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर करिएगा, मैं यूँ ही नहीं बोल रही हूँ, एक बार बनाकर खाएं। पसंद आ जाए तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। और पता है, घर में जब भी कोई गेस्ट आए या बकरा ईद पर बहुत ज़्यादा गोश्त हो जाए, तब आप इस तरह से बनाकर खा सकते हो। 100% मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएंगे और जो घर में गेस्ट आए हुए हैं उनको भी अच्छे लगेंगे। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ 250 ग्राम गोश्त लिया है, मशीन का पिसा हुआ, इसको अच्छे से धुलकर पानी में छोड़ दिया था, और एक अंडा, आधा कप बारीक कटा हरा धनिया, 3-4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और एक मीडियम साइज की प्याज कद्दूकस की हुई, इसका पानी बिल्कुल निचोड़ देना है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ले लेना है, और उसी के साथ ही यहाँ थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे, और थोड़ी सी आप अपने टेस्ट के हिसाब से मतलब मिर्च रखनी है, और थोड़ी सी यहाँ काली मिर्च पाउडर ले लेना है, या दरदरी कुटी हुई मिर्च भी आप यूज़ कर सकते हो, काली मिर्च और लाल मिर्च पाउडर की जगह चिली फ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना ये, अंडा इसमें मिला लेना है, बाकी सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद, और पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जितना मतलब आप कोशिश करें पानी बिल्कुल नहीं रहे, हल्का फुल्का गीलापन रहे तो कोई बात नहीं, और उसके बाद आप अपनी पसंदीदा शेप देकर इसको डीप फ्राई कर लें। यकीन माने, ये जब ना मसाला भी इसमें नहीं बनाते हैं तब इसको रूखा भी खा सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और पता है ये आप स्पेशली तब बनाइए जब बकरा ईद पर बहुत सारा गोश्त इकट्ठा हो जाता है और सोचते हैं कि किस तरह से इसका इसको बनाए, तो आप बहुत सारे कबाब इस तरह से बनाकर खा सकते हो। यह घर में कोई गेस्ट आता है तब आप बनाएं, स्पेशली बकरा ईद पर बनाएं। इधर हमें क्या करना है, एक बाउल में 1 टीस्पून भर के टोमेटो केचप ले लेना है, और 3.5 टीस्पून भर भर के यहाँ सोया सॉस ले लेनी है, उसी के साथ हरी चटनी 1 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून लाल वाली लहसुन की जो चटनी होती है वो ले लें, या फिर शेजवान। अगर आपके पास ये हरी चटनी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, अगर आपके पास हरी चटनी नहीं है। और यहाँ 4 टीस्पून भर के हमने कॉर्नफ्लावर लिया था, थोड़ा पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सेम पैन में जिसमें कबाब फ्राई किए थे, इसको 1/2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया था, इसको हल्का सोटे कर लिया। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो इसको स्किप कर सकते हो, और डायरेक्ट आप यहाँ हरी मिर्च को इसमें फ्राई कर लें, और उसके बाद यहाँ हमने एक मीडियम साइज की प्याज जिसको रफली चॉप्ड कर लिया था वो ऐड कर देंगे। अच्छा बोलते हैं, जब भी घर में आपके कोई गेस्ट आ रहा है और कह रहा है कोई स्पेशल डिश बनाकर खिलाओ, तो एक बार ये जरूर ट्राई करिएगा, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी तारीफ होगी। और पता है, फिर करना ये, हमने एक मीडियम साइज की प्याज जिसको रफली चॉप किया था, इसको हल्का सा पिंक कर लेना है, जब तक इसका पिंक कलर नहीं होता इसको हाई फ्लेम पर यूं ही चलाते रहना है, और उसके बाद हमें ये जो बनाकर रखा था इसमें डालना है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा 1-1.5 मिनट तक यूं ही इसको पकाना है हाई फ्लेम पर, और बाद में यहाँ आप थोड़ा पानी ऐड करेंगे, लगभग 1 छोटा कप, और उसके बाद इसमें कबाब डाल देने हैं। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें ना तो हल्का सा विनेगर, यहाँ हमारे पास विनेगर नहीं था, खत्म हो गया था तो इसलिए उसको स्किप कर दिया, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप आधा नींबू डाल सकते हो, तो मैंने यहाँ नींबू का जूस डाला था तो वो दिखाना भूल गई, सॉरी फॉर दैट। और उसके साथ ही नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर लिएगा, बस उसके बाद यहाँ कबाब डाल दीजिए और अच्छे से सबको मिक्स कर लिएगा, और पता है बस इसको 3-4 मिनट का टाइम दीजिए लो फ्लेम पर पकने का, और बाद में इसको खाकर देखिएगा, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा जूसी टेस्टी होते हैं, और इसको बाद में हल्का सा गार्निश कर दें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। उम्मीद है वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।